एक नए अध्ययन में सामने आया है कि फाइजर के कोविड 19 टीके की तीसरी खुराक संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने से बचाव के लिए दो खुराकों के मुकाबले अधिक प्रभावी है। लेसेंट रीजनल हेल्थ अमेरिकाज में प्रकाशित इस अध्ययन में टीकाकरण के 8 महीने बाद तक संक्रमण, अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति और मृत्यु के मामलों में फाइजर के टीके की दो खुराकों की प्रभावशीलता का आकलन किया गया है। शोधार्थियों ने टीकाकरण के 3 महीने बाद तक इस टीके की तीसरी खुराक के प्रभाव का आकलन भी किया है। अध्ययन में दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 के बीच दक्षिण कैलिफोर्निया में हेल्थ केयर कंपनी कैंसर परमानेंट के 31 लाख सदस्यों के इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया। अध्ययन में सामने आया है कि फाइजर बायोएनटेक के कोविड रोधी टीके की दो खुराक के अप्रभाव और 3 खुराकों के प्रभाव का आकलन किया गया तो पता चला कि तीसरी खुराक के साथ जो लाभ मिलते हैं वो दो खुराकों से मिलने वाले लाभ से अधिक हैं। उल्लेखनीय है कि इस अध्ययन के दौरान 1,97,535 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और इनमें से 15,786 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस अध्ययन के दौरान कोरोना वायरस का प्रधान वेरिएंट डेल्टा था, न कि ओमिक्रॉन। इसमें सामने आया है कि फाइजर टीके की दो खुराकों से संक्रमण के खिलाफ मिलने वाली सुरक्षा पहले महीने के दौरान 85% से 8 महीने बाद घटकर 49% हो गई। हालांकि अस्पताल में भर्ती होने के मामलों में दो खुराकों से मिलने वाली सुरक्षा 8 महीने तक 90% बनी रही और इसमें कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।